हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और ये परीक्षा 23 तारीख को होने वाली थी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। और अभ्यर्थियों को ये सूचना दे दी गई है कि भैया अब 23 तारीख की ये परीक्षा प्रस्तावित थी, अपरिहार्य कारणों से ये परीक्षा स्थगित की गई है और लिखित परीक्षा दिनांक 17 अप्रैल को होगी। सोचिए, जनवरी से परीक्षा सीधा भाग गई, कहाँ अप्रैल लोक सेवा आयोग ने अपनी एक परीक्षा जो है वो कैंसिल कर दी है। और ये खैर थॉर्नडाइक के बिल्ली कुत्ता चूहे हैं। सीबीएसई की तरफ से भी देखिए, यहाँ पर पब्लिक नोटिस लगी हुई है, पेपर वन भी कंडक्ट ऑन 17 जनवरी को यहाँ पर होगा, सेकंड शिफ्ट 2:30 से 5 पर। तो इसका एडमिट कार्ड सीटेट एनआईसी से मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें हम दोस्तों यूपी टेट की परीक्षा की, तो आखिर क्या मतलब 23 तारीख की एक परीक्षा लोक सेवा आयोग ने टाल दी है सिर्फ इस वजह से कि कोविड के केसेस 2.5 लाख के पार चले गए हैं पर डे के। अब उत्तर प्रदेश में स्थिति संशय की बन रही है, 21 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं यूपी टेट में। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार इतना बड़ा रिस्क ले पाएगी इस आचार संहिता में कोरोना को लेकर के? जिस तरह से देश की स्थिति है, आप बस अपनी राय मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या 23 जनवरी की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कोविड के इस लहर में क्या ये उचित होगा कि 21 लाख छात्रों को पेपर के लिए इकट्ठा किया जाए? बस एक जनरल राय, सामान्य सा सजेशन या राय जो भी कह लीजिए, आप लोग बताइए। वैसे संकट के बादल तो हैं कि यूपी टेट की परीक्षा टल सकती है, लेकिन एडमिट कार्ड जारी हो गया है, सेंटर की पूरी तैयारी है। अभी शासन स्तर पर अगर हम बात करें तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से कोविड का माहौल चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। अब एक जेन्युइन राय आप लोग दीजिए कि क्या, कमेंट में बताइए, तो फिर मुझे इस पर विचार होगा आगे वीडियो बनाने के लिए और आगे क्या होना चाहिए, उचित क्या है कि नौजवान छात्र, बेरोजगार छात्र यूपी टेट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे, तो वो क्या उचित है 23 जनवरी को या फिर नहीं। तो बस ये जनरल सी राय है, कमेंट करके मुझे बता दीजिए।